भारतीय सुंदरता को एक बार फिर विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाई है विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा ने। उनके स्वदेश लौटने के साथ ही 19 दिसंबर को उनके अपने गृह नगर बरेली भी वापसी हुई। प्रियंका के परिवारजन उनके बरेली आने पर और उनकी उपलब्धि पर भाव विभोर हैं। बहुत खुशी है, इसने परिवार को, शहर को, देश को एक इज्जत प्रदान की दिया, बहुत बहुत खुशी की बात है। बरेली पहुंचने पर प्रियंका की सुरक्षा व्यवस्था का यह आलम था कि उनके चाहने वाले अपनी खुशी और उत्सुकता के बावजूद उनकी एक झलक पाने को भी तरस गए। उसने अपना नाम रोशन करके बरेली का नाम रोशन किया है, इस बात की हम सबको बहुत खुशी है, इसीलिए सब पब्लिक यहाँ खड़ी है, कम से कम उसके देखने के लिए एक बार देख तो लें, आज नहीं तो कल एक बार बरेली में अच्छे तरीके से प्रियंका को मिला के रहेंगे सबसे। ऐसा क्या, आज नहीं तो कल से, आज हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ उनकी मजबूरियां हैं। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में फैशन शो और सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने का नतीजा यह रहा कि प्रियंका का स्वागत काफी फीका हुआ और इस फीके स्वागत को भी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। उत्साह से लबरेज प्रियंका के माता पिता को भी इस फैसले से निराशा हुई। कोई बेस होना चाहिए कानून का, एकदम ब्लैंकेट बैन तो बहुत ही गलत है। अभी आप विमेंस एम्पावरमेंट ईयर कर रहे हैं और यहाँ विमेन का गला ही दबा रहे हैं, आवाज बंद कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता ना। नॉट एट ऑल, हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कौन है? मैंने कहा ना, हम लोग तो प्रजा है, उनका काम है जी ये सही है या ये गलत है, वो जो मर्जी कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। बहरहाल प्रियंका के स्वागत में सरकार की दिलचस्पी भले ही ना हो, पर बरेली के रहवासियों ने बरेली क्लब में और आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने भी प्रियंका के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किए।